गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप का एक पार्ट है। तो आप सब अनअकैडमी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर आपको स्पेशल क्लास मिलेंगी। स्पेशल क्लास जो होती है, फ्री होती है। इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपको मेरी भूगोल की क्लास मिलेगी पेपर सेकंड की, सुबह के 11 बजे रेगुलर, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे क्लास का टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा पेपर फर्स्ट की वहाँ पर आपको मेरी क्लास मिलेगी आईसीटी और ईवीएस, मानव विकास और पर्यावरण वाली यूनिट, और रिसर्च एप्टीट्यूड की भी क्लास आपको वहाँ मेरी मिलेगी, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लासेस हैं, आप सब ज्वाइन कर लीजिए, काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि अनअकैडमी पर जो आप टीचर्स का कंटेंट है, पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और अनअकैडमी पर स्टूडेंट जो प्लस क्लासेस होती है, कौन सी क्लास? प्लस क्लास के नाम से आपको मिलेंगी। जो प्लस क्लासेस होती है वो पेड क्लास है, उसके लिए लेना पड़ता है आपको सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप किसी भी कोर्स में तानिवी कोड का यूज करोगे, तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स में, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, यूपीएससी, एसएससी, किसी भी कोर्स में आप तानी भी कोड का यूज करोगे, तो आपको हर कोर्स की फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही। तो आप सभी एक तो क्लास का लिंक शेयर करते रहो, ताकि सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ जाएं, और जो भी नए स्टूडेंट हैं सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन रेगुलर टाइम से मिलेगा। और आप देखो, ये कोड आप याद रखना, तानी भी कोड है। बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप प्लस में लोगे सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है, आपको पता ही है, 7 PM पर मैं पढ़ाती हूँ भूगोल, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। और अनएकेडमी पर भी आप तरुणा भारद्वाज के नाम से, तरुणा भारद्वाज के नाम से आप सर्च करके फॉलो कर लीजिए। जब आप तरुणा भारद्वाज के नाम से सर्च करके फॉलो करोगे, तो अनएकेडमी पर होने वाली मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा क्लास के 15 मिनट के बाद, और आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। और आज देखो, मैं पढ़ाऊंगी आपको, जैसे कि आप जानते हैं, वाईफाई स्टडी की टीम ने अब टारगेट 21 में जो जेआरएफ होगा वो रखकर आपको पढ़ाना शुरू किया है। तो आपको सिलेबस भी कवर करना है, और आपको पढ़ना भी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, हर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी थॉट, भौगोलिक चिंतन। सब जानते हो काफी क्वेश्चंस आते हैं भौगोलिक चिंतन से, और आज का जो टॉपिक है भौगोलिक चिंतन का वो है हम्बोल्ट और रीटर के कार्यों की तुलना। हम्बोल्ट और रीटर दो ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और ये समकालीन हैं। इनके कार्यों में कुछ समानताएं मिलती हैं और कुछ असमानताएं, और वहीं से आते हैं काफी क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए, आज हम पहले हम्बोल्ट और फिर उसके बाद रीटर, फिर हम्बोल्ट और रीटर के दोनों के कार्यों में समानता और फिर असमानता मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। सभी स्टूडेंट्स क्लास को लास्ट तक पढ़ेंगे, और बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, बनने वाले हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, और आज की क्लास से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शनल, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखो, आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे यूजीसी नेट के, तो वहां पर आपको ऑप्शनल चीजें मिलेंगी। अब सिलेबस आपके थ्योरी के रूप में है, तो आप जो भी सिलेबस पढ़ोगे थ्योरी से, वहां से किस लैंग्वेज में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको याद करना है। अगर बात की जाए थॉट की, तो जैसा कि आप जानते हैं, थॉट से ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बुक्स, कौन सी बुक किसने लिखी, कौन से भूगोलवेत्ता कहाँ के हैं, किसने क्या कार्य किया, किस समय के हैं, कहाँ के थे, ठीक है ना। तो थॉट जो है वो आपको याद करना है, समझना इतना नहीं, इसमें कंसेप्ट नहीं छुपी हुई है। ज्यादातर थॉट में आपको क्या करना है, याद करने वाली चीज है, इंपॉर्टेंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए, ये माइंड में रखना, मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाऊंगी, क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन,
अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या लेटिन अमेरिका की विस्तृत यात्रा की, क्वेश्चन बनता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कहाँ की यात्रा की, तो लेटिन अमेरिका की इन्होंने विस्तृत यात्रा की। और इनकी सबसे फेमस बुक जो बहुत बार रिपीट होती है, कोसमोस, आप सब जानते हो कोसमोस किसने लिखी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कोसमोस लिखी हम्बोल्ट ने। आप नोट करोगे सभी, कितने खंडों में विभाजित है, ये 5 खंडों में विभाजित है। कोसमोस के कितने खंड हैं, 5 खंड हैं। तो हम्बोल्ट ने क्या क्या पहली बार, दूसरा इनका इंपोर्टेंट कार्य है, एक तो कोसमोस इनकी वेरी इंपोर्टेंट बुक है, दूसरा हम्बोल्ट ने पहली बार समताप रेखाओं का प्रयोग किया, ठीक है। समताप रेखाएं पूरी पृथ्वी पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समताप रेखा कहते हैं। तो आप क्वेश्चन बनता है आपका यहीं से, सबसे पहली बार समताप रेखाओं का प्रयोग किसने किया, तो हम्बोल्ट ने किया। और किस लिए किया, विश्व मानचित्र पर समताप रेखाएं बनाई। आप देखो समताप रेखाओं का प्रयोग विश्व मानचित्र पर सबसे पहले हम्बोल्ट ने किया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, समताप रेखाओं का प्रयोग किसने किया, तो आंसर आपके सामने है, किसने किया, हम्बोल्ट ने किया। और साथ ही इन्होंने वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, इतिहास और भूगोल में भी खोज कार्य किए। इन्होंने भूगोल में तो किए ही, इसके अलावा वनस्पति, याद रखोगे किस किस में, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, इतिहास और भूगोल में भी खोज से संबंधित अनेक कार्य इन्होंने किए हैं। एंडीज पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी, कौन से पर्वत, एंडीज पर्वत कहाँ पर है, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और एंडीज विश्व का सबसे लंबा पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय और विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। तो हम्बोल्ट ने एंडीज की चिम्बारोजो चोटी की चढ़ाई की। और ऊंचाई के साथ जब इन्होंने चढ़ाई की तो क्या हुआ, इन्होंने ऊंचाई के साथ क्या क्या वायु दाब के संबंधों को स्पष्ट भी किया। आपको पता ही है, आप धरातल से जब ऊपर की तरफ जाओगे वायुमंडल में, तो धरातल के पास कैसी गैस मिलती है, भारी गैस। भारी गैस मिलेगी तो वायु दाब क्या होगा, उच्च वायु दाब होगा, उच्च वायु दाब होगा। और धरातल से ऊपर की तरफ जाने पर हल्की गैसें मिलती हैं, हल्की गैस होंगी तो वायु दाब क्या होगा, निम्न वायु दाब होगा। अब आप ये सब जानते हो, ठीक है ना, ये सब आप जानते हो, लेकिन बात ये भी तो है कि खोज किसने की, पहले इतनी जानकारी नहीं थी। तो आप देखो हम्बोल्ट ने क्या किया, ऊंचाई के साथ वायु दाब में संबंधों को स्पष्ट किया। ऊंचाई के साथ वायु दाब घटता है या बढ़ता है, ये कथन किसने बताया। देखो यूजीसी का एग्जाम देने जा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो आपको पता है धरातल से ऊपर की तरफ जाने पर वायुदाब घटता है। आपसे अगर क्वेश्चन में आया कि धरातल से ऊपर की तरफ जाने पर वायुदाब घटता है या ऊंचाई के साथ वायुदाब के संबंध को किसने स्पष्ट किया, तो सभी अच्छे से नोट करोगे, वायुदाब के संबंध को और ऊंचाई के संबंध को आपस में हम्बोल्ट ने क्या किया, स्पष्ट किया। और हम्बोल्ट ने ही सबसे पहले प्रशांत महासागर के तट पर, प्रशांत महासागर के तट पर जो बहने वाली ठंडी धारा है उसका पता लगाया और नाम क्या रख दिया, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट धारा कहाँ पर बहती है, प्रशांत महासागर के तट पर। किस प्रकार की है ठंडी धारा, तो आपने कभी नहीं सोचा, ये हम्बोल्ट धारा का नाम समुद्र की जल धारा का भी नाम है और हम्बोल्ट भूगोलवेत्ता का भी नाम है। तो जो प्रशांत महासागर के तट पर हम्बोल्ट जलधारा है वो भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट के नाम पर ही रखी गई है, तो याद रखोगे आप। और हम्बोल्ट और रीटर दोनों ही 18वीं शताब्दी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताइए आप, हम्बोल्ट और रीटर कौन सी सदी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 18वीं सदी का, या 18वीं सदी के भूगोलवेत्ता थे।
और हम बोल्ट को वेरी इंपॉर्टेंट नोट करोगे सभी। देखो ऑनलाइन क्लास है ठीक है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में भी आप ऑफलाइन की तरह ही पढ़ा करो, पेपर पेन लेकर बैठा करो, तभी आपका एग्जाम JRF क्लियर हो सकता है। आप मजाक मजाक में JRF नहीं कर सकते हो, टाइम देना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, बिल्कुल ईमानदारी से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये वाला भी आपका। हम्बोल्ट को आखिरी महान पॉलीमेथस कहा गया, किस भूगोलवेत्ता को आखिरी महान पॉलीमेथस कहा जाता है? तो हम्बोल्ट को आखिरी महान पॉलीमेथस कहा जाता है ठीक है। चलिए जो हम्बोल्ट है उन्होंने वैज्ञानिक भूगोल में कार्य किया, जो हम्बोल्ट थे इनकी जो पद्धति थी एक तरह से वो वैज्ञानिक थी, क्योंकि जो भूगोल थे जो हम्बोल्ट थे ये केवल भूगोलवेत्ता ही नहीं थे, बहुत इनमें प्रतिभाएं थी। जैसे कि अभी आपने देखा इन्होंने रसायन विज्ञान में भी खोज की, वनस्पति भूगोल में भी इन्होंने कार्य किया। तो सिर्फ ये भूगोलवेत्ता नहीं थे, काफी धनी प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति थे, और इनके योगदान को वो जो इन्होंने भूगोल में योगदान की दिया वो काफी बड़ा है। छोटे स्तर पर कार्य नहीं किया इन्होंने, बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने भूगोल में कार्य किया है। और देखो संस्थापन काल के भूगोलवेताओं में जो वॉन हम्बोल्ट है इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हम्बोल्ट को आप क्या बोलते हो, आधुनिक भूगोल का पिता। हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। कौन है आपके, हम्बोल्ट है। और इन्होंने राइन क्षेत्र में मिलने वाले, राइन नदी कहाँ पर आपकी, यूरोप में, तो यूरोप में राइन नदी के क्षेत्र में मिलने वाले बेसाल्ट पर कई लेख भी प्रकाशित किए। तो नोट करें आप, हम वो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, यूरोप में राइन नदी के क्षेत्र में बेसाल्ट पर मिलने वाले बेसाल्ट पर किसने लेख प्रकाशित किए? तो राइन नदी क्षेत्र में बच्चों, बेसाल्ट वाला जो एरिया है यूरोप में, बेसाल्ट वाले क्षेत्र पर इन्होंने लेख भी प्रकाशित किए, और जिनका परीक्षण इन्होंने कब, 1789 में, कब 1789 में वैज्ञानिक भ्रमण के दौरान किया। ये यूरोप में गए, किस लिए गए, भ्रमण के लिए गए, कब 1789 में गए, और वहां पर इन्होंने राइन क्षेत्र में जो बेसाल्ट वाला एरिया है उस पर कई लेख भी प्रकाशित किए। और इन्होंने क्या किया उसमें, इन्होंने बेसाल्ट चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में नई संकल्पना का प्रतिपादन किया। जो खनिज पदार्थ है वो कहाँ पर मिलते, चट्टानों में। चट्टान आप कहते किसको, खनिजों के समूह को चट्टान कहा जाता है, खनिजों के समूह को चट्टान कहा जाता है ठीक है। तो जो बेसाल्ट चट्टान है उसकी उत्पत्ति के बारे में सॉरी हम्बोल्ट ने ही कार्य किया, हम्बोल्ट ने ही संकल्पनाएं दी। देखो और इसके बाद क्या हुआ, जॉर्ज फॉरेस्टर से मिलकर इनकी भ्रमण इच्छा तीव्र हुई। किससे मिलकर, जॉर्ज फॉरेस्टर से मिलकर इनकी घूमने की इच्छा तीव्र हुई, और इन्होंने जॉर्ज फॉरेस्टर के साथ हम्बोल्ट ने अपनी सर्वप्रथम विदेश यात्रा हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिण इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस की पूरी की। तो यहाँ से भी ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम्बोल्ट ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश के लिए की और किसके साथ की? तो आंसर लिखो, हम्बोल्ट ने सबसे पहली अपनी विदेश यात्रा जॉर्ज फॉरेस्टर के साथ हॉलैंड, बेल्जियम और दक्षिणी इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस की पूरी की। और इसका उल्लेख इन्होंने कहाँ से मिलता है, जॉर्ज फॉरेस्टर ने अपनी पुस्तक निम्न राइन के रेखाचित्र में लिखी है। ये बात किसने बताई, कई बार आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हम्बोल्ट ने अपनी पहली यात्रा, हम्बोल्ट ने अपनी पहली यात्रा हॉलैंड, बेल्जियम के लिए की, और ये किस बुक में लिखा गया है? तो बुक का नाम याद रखोगे, निम्न राइन के रेखाचित्र, स्केचेस ऑफ लोअर लाइन राइन। और ये बुक किसकी है, जॉर्ज फॉस्टर की ये बुक है, उसमें जॉर्ज फॉस्टर ने अपनी बुक में ही अपनी यात्राओं का वर्णन किया है। अब बात करें हम्बोल्ट का अध्ययन क्षेत्र,
हम्बोल्ट ने किस विषय में अध्ययन किया, किस विषय में अपने खोज कार्य किया। वैसे तो अगर बात की जाए, देखो हम्बोल्ट जो थे वो मुख्यतः किस पर, प्राकृतिक दृश्यों पर ही वो अध्ययन करते थे। प्राकृतिक दृश्य बताइए, प्राकृतिक दृश्य क्या होता है, जानते होंगे सभी, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झरने, वनस्पति, जलवायु, ये सब प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त है प्राकृतिक दृश्य, वही हम्बोल्ट का अध्ययन क्षेत्र रहा। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा जलवायु, जलवायु पर इन्होंने सबसे ज्यादा कार्य किया और अपने अध्ययन में जलवायु विज्ञान शब्द का भी प्रयोग किया। याद रखना इसको, जलवायु विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, खूब पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो नोट करोगे आप, जलवायु विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग हम्बोल्ट ने किया। ठीक है, तो जलवायु विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग हम्बोल्ट ने किया और जलवायु को इन्होंने परिभाषित किया। और क्या लिखा, जलवायु को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा कि हम्बोल्ट ने समताप रेखाओं का भलीभांति अध्ययन किया था। याद रखना इसको भी, हम्बोल्ट ने क्या किया, एक तो जलवायु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, जलवायु पर अधिक कार्य किया और समताप रेखाओं का भलीभांति अध्ययन भी किया। और उसने बताया, क्या बताया, भूमध्य रेखा पर समांतर रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा पर समताप जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी और उत्तर ध्रुव के पास समुद्र में उत्तर की ओर व स्थल पर दक्षिण की ओर ये मुड़ जाती हैं। याद रखना, किसके अनुसार समताप रेखाएं उत्तर ध्रुव के पास समुद्र में उत्तर की ओर और स्थल पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, ये कथन किसने कहा, ये संकल्पना किसने दी, आंसर आपका हम्बोल्ट, नोट कर लेना इसको। समताप रेखाएं भूमध्य रेखा पर समांतर होंगी, सीधी होंगी और ये उत्तरी ध्रुव के पास समुद्र में उत्तर की ओर और वह स्थल पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर दशा इसके विपरीत होगी, अर्थात समुद्र में समताप रेखाएं दक्षिण की ओर, समुद्र में क्या होगा, समताप रेखाएं दक्षिण की ओर वह स्थल पर उत्तर की ओर मुड़ती हैं। नोट कर लो, समुद्र में समताप रेखाएं दक्षिण की ओर और स्थल पर उत्तर की ओर मुड़ जाती है, किसने कहा, हम्बोल्ट ने बताया। और हम्बोल्ट ने पृथ्वी के चुंबकत्व की भी खोज की, हम्बोल्ट ने क्या किया बच्चों, पृथ्वी के चुंबकत्व की भी खोज की है और चुंबक की भिन्नता का भी इन्होंने उल्लेख किया। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, पर्वतों की ऊंचाई को नापा और प्रस्तुत भी किया, क्योंकि आप देखो इन्होंने एंडीज पर्वत की चढ़ाई की, तो इन्होंने पर्वतों को जब चढ़ाई कर की इन्होंने, तो उसको वायु दाब और उसको उसकी ऊंचाई को नापने का इन्होंने कार्य भी किया। वायु दाब का जो विभिन्नता है उस पर कार्य किया और दूसरा पर्वतों को, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, पर्वतों की ऊंचाई नापने का कार्य, पर्वत पर ऊंचाई नापने का कार्य किसने किया, तो हम्बोल्ट ने किया। काफी इनके कार्य है, तो हम्बोल्ट के जो वर्णन है उसमें बहुत अच्छे से पता चलता है कि हम्बोल्ट जो है उनका भौगोलिक अध्ययन क्षेत्र संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन उनका जो अध्ययन क्षेत्र था वो बड़ा व्यापक था। देखो वैसे अगर बात की जाए, हम्बोल्ट का जो कार्य है वो व्यापक क्षेत्र पर है, क्योंकि प्राकृतिक भूदृश्यों पर उन्होंने कार्य किया, जलवायु पर उन्होंने कार्य किया। अब जलवायु कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, प्राकृतिक दृश्य में सभी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो उनका कार्य है उसको जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, मैं वही उनके कार्य आपको पढ़ाऊंगी, बाकी उनका क्षेत्र काफी व्यापक था। चलो, हम्बोल्ट के अध्ययन की विधियां, हम्बोल्ट की अध्ययन प्रणाली 5 विधियों पर आधारित थी। याद रखना, जो हम्बोल्ट के अध्ययन की विधियां थी, हम्बोल्ट की अध्ययन प्रणाली किस पर, 5 विधियों पर आधारित थी। अब ये 5 विधियां कौन कौन सी हैं, तो पहली है आपकी
जो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट की अध्ययन विधि कैसी थी? अनुभाविक थी। पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता की विधि कैसी थी? तो हम्बोल्ट की अध्ययन विधि कैसी थी? अनुभाविक थी। इन्होंने जो चीज जिस चीजों का अनुभव किया उसको अपने सिद्धांतों में लिखा, ऐसा नहीं है सिर्फ अनुमान लगाया। जैसे कि आप देखो, इन्होंने जब ऊंचाई एंडीज पर्वत पर ऊंचाई की चढ़ाई की, तो तभी इन्होंने अनुभव किया कि वायुदाब में अंतर पड़ता है। तो वायुदाब के अंतर को और ऊंचाई के संबंध को इन्होंने पहले अनुभव किया, तब उसको उसके बारे में लिखा, ठीक है ना। उन्होंने उस एंडीज पर्वत की ऊंचाई चढ़ाई की, तभी उसकी ऊंचाई को नाप लिया। तो आप देखो, आप याद रखना, इनकी अनुभाविक थी अध्ययन विधि, अनुभव के आधार पर ही लिखा, कोई भी तथ्य इन्होंने बिना किसी अनुभव के नहीं लिखा है। और उनका मत क्या था? किसी वस्तु का विशिष्ट ज्ञान उसके पूर्व अवलोकन पर और परीक्षण पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही, हम्बोल्ट ने क्या माना कि किसी भी वस्तु का आपको विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना है, पूरा ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको उसका अवलोकन करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिर्फ परिकल्पनाओं के आधार पर किसी वस्तु का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप उसका ऑब्जर्वेशन, आप भ्रमण नहीं करोगे और उसका अनुभव नहीं करोगे। और जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, जो ये भूगोल सब्जेक्ट है, भूगोल के विद्यार्थियों को भ्रमण जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये देखकर महसूस करने वाला सब्जेक्ट है। जो आप पढ़ते हो वो आपको प्रकृति में चीजें मिलेंगी पृथ्वी पर। तो पहले इनके अध्ययन विधि नोट करते रहना, अनुभाविक थी। दूसरा, हम्बोल्ट की अध्ययन प्रणाली कैसी थी? क्रमबद्ध थी, सिस्टमेटिक थी। इन्होंने किसी एक क्षेत्र को, देखो भूगोल के अध्ययन की जो अलग अलग भूगोल वेताएं हैं, उन्होंने भूगोल का अध्ययन करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया। तो अब हम्बोल्ट ने क्या किया, क्रमबद्ध विधि को अपनाया। अब क्रमबद्ध विधि क्या है? देखो, मान लीजिए कोई भी आपका एक क्षेत्र है जहां पर आप रहते हो, जो भी आपका रहने का स्थान है आसपास का, आप उसके पूरे क्षेत्र का अध्ययन करो, लेकिन क्रम वाइज, एक बार जलवायु का, एक बार वनस्पति का, ठीक है ना, एक बार रोजगार का। तो जब किसी एक क्षेत्र के किसी एक टॉपिक को लेकर, किसी एक पॉइंट को लेकर आप अध्ययन करोगे, तो वो क्रमबद्ध अध्ययन है। और मान लीजिए आप अपने क्षेत्र का कंप्लीटली अध्ययन करो, एक ही बार आप जो भी उसकी जलवायु, मिट्टी, धरातल, जनसंख्या सभी का अध्ययन कर लो। जैसे एक तरह से आप देखो, भारतीय जनगणना, भारतीय जनगणना सिर्फ जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन करती है, तो वो क्रमबद्ध अध्ययन हुआ। और मान लो कोई सर्वे किया जाए, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर पहलू का अध्ययन कर ले किसी क्षेत्र का, तो वो प्रादेशिक, जब प्रदेशों में बांट कर, जैसे भारत को कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया? 6 भौतिक प्रदेश में। तो एक एक का करके आप, या तो आप, एक तरीका तो ये है कि जलवायु, जितने भी 6 भौतिक प्रदेश है सबकी जलवायु का अध्ययन करो, तो वो क्रमबद्ध अध्ययन हुआ। या फिर आप हिमालय पर्वत या विशाल मैदान को लो और उसके सभी जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीवन शैली सभी का अध्ययन करोगे, ठीक है ना। तो प्रादेशिक, और जब प्रदेशों में बांट के हम किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, और क्रमबद्ध जब हम क्रम वाइज हर एक पॉइंट का अध्ययन करेंगे। लेकिन हम्बोल्ट की अध्ययन पद्धति क्रमबद्ध थी, याद रखोगे, अनुभाविक थी, और फिर दूसरी इसने क्रमबद्ध पद्धति को अपनाया। जिस प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन अन्य विज्ञानों में होता है, उसी तरह से उसने भूगोल में भी बताया। पहले क्या था, इससे पहले जो क्रमबद्ध अध्ययन था वो दूसरे विज्ञान में था, लेकिन फिर हम्बोल्ट ने क्या किया, भूगोल में भी क्रमबद्ध अध्ययन को बताया। नेक्स्ट पॉइंट, हम्बोल्ट ने विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पति की तुलना की। जिन्होंने भ्रमण कार्य किया, तो जब अलग अलग क्षेत्रों में गए, अलग अलग प्रकार की वनस्पति दिखाई दी, तो तुलना तो होगी। मरुस्थलीय क्षेत्र में कंटीली वनस्पतियां, वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वनस्पति, क्यों बताओ, तो तुलना तो होगी। तो इन्होंने तुलनात्मक विधि भी अपनाई। किस लिए अपनाई? वनस्पतियों में इन्होंने विभिन्नताओं को देखा, विभिन्नता देखने के बाद इन्होंने तुलना भी करनी शुरू की। तो जब तुलना आप करोगे तो कौन सी विधि हो जाएगी आपकी? तुलनात्मक विधि, ठीक है ना। और उसने फिर क्या निष्कर्ष निकाला
कि सर्वत्र वनस्पति एक जैसी नहीं है। देखो आप ये सब जानते हो क्योंकि हमारे पहले भूगोलवेताओं ने बहुत सारा कार्य कर चुके हैं। जो आपको ज्ञान है या हमें ज्ञान है उस पर भूगोलवेताओं ने कार्य किया है, तब हमें ज्ञान है। तो पहली बार किसने बताया कि पूरी पृथ्वी पर वनस्पति एक जैसी नहीं है? तो किसने बताया? हम्बोल्ट ने बताया। कौन सी विधि अपनाई, किस लिए अपनाई? तो हम्बोल्ट ने तुलनात्मक विधि को अपनाया वनस्पति की तुलना करने के लिए। फोर्थ है आपकी, हम्बोल्ट ने क्या किया? शुद्धता और सूक्ष्मता पर भी बल दिया। इसने अपनी विधियों में शुद्धता और सूक्ष्मता पर, एक्यूरेसी पर जोर दिया कि कुछ भी लिखा जाए वो एकदम वैज्ञानिक विधि के द्वारा लिखी जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स आप याद करो, पहले क्या था? भूगोल वेता घुमक्कड़ी जीवन था। जो भी उन्होंने देख लिया वो उन्होंने लिख दिया, जो भी देख लिया वो उन्होंने लिख दिया। उसमें शुद्धता का अभाव भी रहता था। तो हम्बोल्ट ने क्या किया, अपनी जो अध्ययन किया उसमें शुद्धता को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है, हम्बोल्ट ने अपने अध्ययन में मानचित्र व आरेखों को अधिक महत्व दिया। किसको? मानचित्रों को और आरेख, कार्टोग्राफी को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। और उसने ही, हम्बोल्ट ने क्या किया, सबसे पहले पृथ्वी का पार्श्व चित्र खींचा था। तो नोट कीजिए, सबसे पहले पृथ्वी पर पृथ्वी के धरातल का पार्श्व चित्र किसने खींचा? तो हम्बोल्ट ने पृथ्वी का सबसे पहले पार्श्व क्षैतिज चित्र खींचा और आरेख और मानचित्र का उपयोग किया। तो सभी कार्य को आप नोट करते रहोगे, इस तरह के क्वेश्चन ही आपको हम्बोल्ट और रीटर के कार्यों से मिलेंगे। हम्बोल्ट क्यों पढ़ रहे हो आप? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भूगोलवेत्ता है और ये आधुनिक भूगोल के पिता भी हैं। अब बात करें हम्बोल्ट की संकल्पनाएं। हम्बोल्ट ने कौन कौन सी भौगोलिक संकल्पनाएं दी? आप थॉट का पेपर उठाओ और उसमें बहुत क्वेश्चन आएगा, ये संकल्पना किसने दी, ये कथन किसका है ना, ये कथन किसने कहा, ये संकल्पना किसने दी। तो हम्बोल्ट की संकल्पनाएं आप नोट कर लेना। तो जो हम्बोल्ट ने क्या किया, भूगोल के क्षेत्र में कितनी संकल्पना, 7 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। तो लिखो आप, हम्बोल्ट ने भौगोलिक क्षेत्र में 7 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जिनके आधार पर उत्तरवर्ती समय में भूगोल का विकास होता रहा है। और संकल्पनाएं देख लो, पहली संकल्पना पृथ्वी तल मानव निवास के रूप में। इन्होंने क्या किया, जो पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाएगा भूगोल में वो किस रूप में किया जाएगा, मानव निवास के रूप में। पृथ्वी क्या है? मानव का आवास, मानव का घर, ठीक है ना। तो मानव का घर मानकर भूगोल का अध्ययन किया जाना चाहिए, ये संकल्पना, ये विचार दिया था हम्बोल्ट ने, ठीक है ना। तो हम्बोल्ट ने इवन खुद भी कार्य किया। हम्बोल्ट ने क्या किया, पृथ्वी तल का अध्ययन तो किया और किस रूप में किया, मानव निवास के रूप में किया। और इसके बाद जितने भी सभी भूगोलवेत्ता हैं इस संकल्पना को मानते रहे और भविष्य में भी मानते रहेंगे। और आप देख लो, अब वर्तमान समय में भी जो भूपृथ्वी है, क्या है ये, मानव का घर, मानव का आवास। और आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, अपने आवास को बचाने का कार्य करो। पृथ्वी मानव का आवास है, लेकिन मानव क्या कर रहा है, अपने आवास के लिए भागदौड़ भरी जिंदगी है, विकास करता जा रहा है मानव, लेकिन अपने घर का ही विनाश करता जा रहा है। तो आप देखो, आप जॉब कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो किस लिए, अच्छे लाइफ के लिए, अच्छा घर तैयार करने के लिए, पर उसके अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऐसा घर बेकार होगा। तो सबसे बड़ा तो घर हमारा, हमारी पृथ्वी है, हमें उसको बचाने के लिए भी कार्य करने की जरूरत है। औद्योगिक विकास हो, मानव विकास हो, लेकिन ऐसा विकास हो जिसमें जो हमारा घर है, पृथ्वी है, उसका नुकसान ना हो। और भूगोल वेताओं ने भी मान लिया कि पृथ्वी मानव का निवास है, पृथ्वी मानव का घर है, ठीक है। तो ये संकल्पना किसने दी, किसने माना है, सबसे पहले हम्बोल्ट ने मान लिया। दूसरी इनकी संकल्पना है स्टूडेंट्स, संसार के स्थानिक वर्णनों का विज्ञान। भूगोल क्या है, जो संसार है, पूरा विश्व है,
उसके स्थानिक वर्णनों का विज्ञान है। मतलब जो भूगोल है, जो स्थान, देखो स्थानों पर विभिन्नता मिलेगी। आप स्थान स्थान पर जाओगे, अलग अलग स्थानों पर जाओगे, तो अलग अलग आपको भौतिक, आर्थिक, जीवन शैली, खाद, भोजन में, वस्त्र में, आवास में आपको विभिन्नताएं मिलेंगी। और भूगोल में आप क्या करते हो, जो स्थानिक विभिन्नताएं हैं उन्हीं का तो अध्ययन करते हो। तो ये हम बोल रहे हैं, ये संकल्प नदी के संसार के स्थानिक वर्णनों का विज्ञान है। हम्बोल्ट क्या मानता था कि भूगोल स्थानिक वितरण का विज्ञान है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं, और उन अंतरों का क्यों क्यों मरुस्थल में कंटीली झाड़ियां हैं, क्यों भूमध्य रेखा पर सदाबहार झाड़ियां हैं, इनके कारण की व्याख्या करना ही भूगोल का कार्य है, ठीक है ना। और ये मूलभूत संकल्पना रही हम्बोल्ट की, जो भूगोल को दूसरे विषय से अलग किए हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन बनता है यहीं से कि पृथ्वी मानव निवास के रूप में किसने मानकर अध्ययन किया, हम्बोल्ट ने। किसका मत था, किसकी संकल्पना थी कि संसार, भूगोल संसार के स्थानिक वर्णनों का विज्ञान है। तो भूगोल संसार के स्थानिक वर्णनों का विज्ञान है, हम्बोल्ट का मत था। दूसरा, थर्ड इनकी संकल्पना है भूगोल संबंधों का विज्ञान। भूगोल क्या है, संबंधों का विज्ञान है, बिल्कुल है। एक बात बताओ, संबंध तो है। हेलो, क्लास में तो आप देखो, भूगोल क्या है, संबंधों का विज्ञान है, और है तो बिल्कुल। इसमें हर चीज में संबंध रहते हैं। मान लीजिए वनस्पति है और तापमान, तो तापमान और वनस्पति में संबंध है या नहीं है। तापमान अधिक होगा तो वर्षा अधिक होगी, तापमान अधिक है तो वर्षा अधिक है, वर्षा अधिक है तो सदाबहार वनस्पति होगी। तो तापमान और वर्षा में, वर्षा और वनस्पति में बिल्कुल संबंध होता है। तो ये संबंधों का विज्ञान है। तो इनमें मिट्टी, अब बात करें मिट्टी और फसल, देखो जहां मिट्टी कैसी होगी, रेतीली, वहां पर मोटे अनाज होंगे। जहां मिट्टी जलोढ़ होगी वहां पर अच्छे अनाज उत्पन्न होंगे। तो मिट्टी और फसलों में, वनस्पति में, ऊंचाई में और वनस्पति में, इन सब में संबंध है। तो इसीलिए भूगोल को हम्बोल्ट ने कहा भूगोल संबंधों का विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर। हम्बोल्ट ने दूसरी संकल्पना क्या दी, प्रकृति की एकता। हम्बोल्ट ने प्रकृति की एकता पर बल दिया, पूरी प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरी है, एक दूसरे से इनका आपस में संबंध है। और नेक्स्ट है आपकी सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। तो आपसे पूछा जा सकता है, सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, यह कथन किसने कहा, ये संकल्पना किसने दी। तो ये संकल्पना किसने दी, हम्बोल्ट ने दी। इन्होंने सामान्य भूगोल को ही भौतिक भूगोल मान लिया, और सामान्य भूगोल के लिए ही वो भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग करते थे, और इसके अध्ययन में मानव को सम्मिलित भी किया जाता था। सिक्स्थ है आपकी संकल्पना जो इनके द्वारा दी गई, सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ। सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ, ठीक है, सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ, ये संकल्पना किसने दी, हम्बोल्ट ने दी। अब इस संकल्पना के अनुसार क्या है, जो भी दृश्य घटना है उनके प्रेक्षण और उनके विवेचन को हम्बोल्ट ने अनुसंधान का उद्देश्य बताया। जो भी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं आप देखते हो, उनका विवेचन करना और उस पर अनुसंधान करना ही इसका मतलब है। और प्रेक्षण और विवेचन की क्रिया पर्याप्त जटिल होती है, और उसने इन्हें खंडों में पूर्ण करने की सलाह दी है। सेवंथ है आपका दृश्य घटनाओं की विषमता। तो दृश्य घटनाओं में विषमता पाई जाती है,
ये संकल्पना किसने दी? हम्बोल्ट ने दी। मतलब क्या है इसका? आप जानते हो, जितने भी आपको दृश्य मिलते हैं, जितने भी आपको प्रकृति संबंधित दृश्य मिलते हैं, सभी में होती है विषमता। और क्यों? तापमान के कारण, ऊंचाई के कारण, मृदा के कारण, सिंचाई के कारण, जलवायु के कारण, तो प्रकृति की घटनाओं के कारण ही प्राकृतिक दृश्यों में विषमताएं उत्पन्न होती हैं। ये संकल्पना दी आपके हम्बोल्ट ने। तो हम्बोल्ट ने क्या किया? अन्य विज्ञानों से भूगोल का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया कि अन्य विज्ञानों में अध्ययन किए जाने वाली दृश्य घटनाओं में समानता होती है, जबकि भूगोल में अध्ययन किए जाने वाली घटनाओं में विषमता होती है। और बिल्कुल होती है, ठीक है। तो ये थे आपके हम्बोल्ट के कार्य और हम्बोल्ट की संकल्पनाएं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी रीटर के कार्य और रीटर की संकल्पनाएं। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी हम्बोल्ट और रीटर के कार्यों में समानता और असमानता। तो जो कार्ल रीटर है, हम्बोल्ट के साथ इन्होंने मिलकर कार्य किया, ठीक है ना। हम्बोल्ट के साथ मिलकर इन्होंने आधुनिक भौगोलिक विचारकों का संपादक माना जाता है। जो हम्बोल्ट और रीटर है, क्या है स्टूडेंट्स? हम्बोल्ट और रीटर आधुनिक भौगोलिक विचारकों का संस्थापक है ये। और ये कैसे थे कार्ल रीटर? ये ईश्वरवादी, ईश्वरवादी, ईश्वर में विश्वास करते थे, उद्देश्यवादी विचारक थे रीटर। और इनकी महत्वपूर्ण रचना वेरी रिपीटेड है, अर्धकुंडे। अर्धकुंडे किसने लिखी? रीटर ने लिखी। सभी याद करोगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अर्धकुंडे किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो आंसर आपके पास है बच्चों, अर्धकुंडे रीटर की रचना है। और अर्धकुंडे का अर्थ क्या है? तो अर्धकुंडे का अर्थ लिखो पृथ्वी का विज्ञान। अर्धकुंडे का अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान, ठीक है, जिनके 19 खंड हैं। तो कार्ल रीटर की पुस्तक अर्धकुंडे कितने खंडों में लिखी गई? तो नोट करोगे 19 खंडों में। कार्ल रीटर की पुस्तक अर्धकुंडे का अर्थ पृथ्वी का विज्ञान है और ये 19 खंडों में लिखी गई है। और इसमें क्या हुआ? जो ये अर्धकुंडे अफ्रीका और एशिया के वर्णन से संबंधित है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं अर्धकुंडे में किन महाद्वीपों का वर्णन किया गया है? तो अर्धकुंडे में अफ्रीका और एशिया का वर्णन किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन ये आपको थॉट से मिलेंगे, भूगोल वेताओं के कार्यों से मिलेंगे। ठीक है, तो अर्धकुंड में एशिया और अफ्रीका का वर्णन है। और बर्लिन विश्वविद्यालय के में भूगोल के प्रोफेसर भी रहे कार्ल रीटर, और विश्व में भूगोल के पहले प्रोफेसर बनने का गौरव प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूगोल के पहले प्रोफेसर बताइए। तो भूगोल के पहले प्रोफेसर हैं आपके, प्रोफेसर है कार्ल रीटर, कहाँ पर? बर्लिन विश्वविद्यालय में। और 1820 में बर्लिन भौगोलिक संस्था की स्थापना भी की। तो बर्लिन में भौगोलिक संस्था की स्थापना किसने की, कब की? बर्लिन में भौगोलिक संस्था की स्थापना कार्ल रीटर ने की 1820 में की। और इनकी मृत्यु उस समय हुई, कब हुई? 1859 में, जिस वर्ष डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डार्विन की पुस्तक के प्रकाशन के समय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक थी, उसके प्रकाशन के समय किस भूगोलवेत्ता की मृत्यु हुई? तो कार्ल रीटर की। और जो कार्ल रीटर विविधता में एकता के सिद्धांत में विश्वास करता था, विविधता में एकता के सिद्धांत किसने दिया? विविधता में एकता का सिद्धांत में विश्वास करता था है, किसने दिया? कार्ल रीटर ने दिया। और आप देखो, कार्ल रीटर भी क्या है? एक आनुभाविक विज्ञान, भूगोल को एक आनुभाविक विज्ञान मानते थे। ये भी अनुभव, क्योंकि किसके? हम्बोल्ट के साथ थे इन्होंने, हम्बोल्ट के साथ मिलकर कार्य किया। तो हम्बोल्ट की विधि कौन सी थी? अनुभाविक। तो रीटर की भी कौन सी होगी? अनुभाविक। और रीटर ने तुलनात्मक विधि को अपनाया, हम्बोल्ट ने भी अपनाया। अभी आप देखो, हम्बोल्ट की आपको विधि आप दिखाई थी, कौन कौन सी विधि उन्होंने भूगोल के अध्ययन में अपनाई?
अनुभाविक विधि हम्बोल्ट ने भी अपनाई और रिटर ने भी, तुलनात्मक विधि हम्बोल्ट ने भी अपनाई और रिटर ने भी। और अपने अर्धकुंडे का उपशीर्षक उन्होंने क्या लिखा? सामान्य तुलनात्मक भूगोल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्धकुंडे का उपशीर्षक बताइए। अर्धकुंडे पुस्तक जो है उसका उपशीर्षक क्या है? तुलनात्मक भूगोल। रिटर को क्या कहा जाता है? आराम कुर्सिका भूगोल वेता। वेरी रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस भूगोल वेता को आराम कुर्सिका भूगोल वेता कहा जाता था? तो हर रिटर को। हम्बोल्ट घुमक्कड़ थे, घूम घूम कर आते थे, और हम्बोल्ट रिटर उनके साथ मिलकर कार्य करते थे आराम से कुर्सी पर बैठकर, जबकि हम्बोल्ट घुमक्कड़ी जीवन इन्होंने जिया और कार्ल रिटर ने उनके साथ मिलकर कार्य किया। तो अब बात करते हैं भूगोल में रिटर के योगदान। भूगोल में रिटर ने क्या क्या कार्य किए? सबसे पहली बात, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भूगोलवेत्ताओं ने अपने नवीन ज्ञान की अधिकांश संकल्पनाओं को विकसित किया। उनके विचार, मांग और इच्छाओं को तथ्यों में परिवर्तित करने का श्रेय हम्बोल्ट और रिटर को है। देखो, जो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, कब? 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया? जो अपना नवीन ज्ञान था, जो उसकी संकल्पनाएं थी, उसको विकसित किया। उनके विचार, उनकी मांग, उनकी इच्छाओं को तथ्यों में परिणत करने का श्रेय किसको है? हम्बोल्ट और रिटर को है। क्लियर? जो रिटर है वो 1825 में फ्रिडरिस विश्वविद्यालय बर्लिन में प्रोफेसर बने। कब? 1825 में। 1828 में बर्लिन में भूगोल परिषद की स्थापना की। 1828 में बर्लिन में भूगोल परिषद की स्थापना भी की। इसके प्रथम अध्यक्ष बने और जीवन पर्यंत अध्यक्ष बने रहे। रिटर के महत्वपूर्ण कार्य। अब बात की जाए रिटर की रचनाएं, तो आप देखो रिटर ने क्या क्या भूगोल के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे। मानचित्र भी इन्होंने तैयार किए, शोध पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किए। और 1804 में रिटर का प्रथम ग्रंथ, कब? 1804 में रिटर का प्रथम ग्रंथ यूरोप एक ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल एंड स्टेटिकल पेंटिंग्स प्रकाशित हुआ। तो नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर का प्रथम ग्रंथ बताइए। तो रिटर का प्रथम ग्रंथ किसके बारे में लिखा? यूरोप ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल एंड स्टेटिकल पेंटिंग। कब? 1804 में। और इस पुस्तक का दूसरा खंड 1806 में प्रकाशित हुआ। पहला खंड 1804 में और दूसरा खंड 1806 में। और 1817 में रिटर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड, अर्धकुंडे का प्रथम प्रकाशन हुआ। तो अर्धकुंडे पुस्तक कब लिखी गई? 1817 में। और इसमें प्रथम खंड में इन्होंने क्या किया? अफ्रीका महाद्वीप प्रकाशित हुआ। और अर्धकुंडे का जो दूसरा प्रकाशन है 1818 में, अर्धकुंडे का दूसरा खंड एशिया महाद्वीप का इन्होंने वर्णन किया। तो यहां से देखो पूछ सकते हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्धकुंडे किसकी पुस्तक? रिटर की। कितने खंड में? दो खंड में प्रकाशित हुई। पहला खंड 1817 में किसकी व्याख्या की इसमें? अफ्रीका महाद्वीप की। दूसरा खंड अर्धकुंडे का 1818 में किसका वर्णन? एशिया महाद्वीप का वर्णन। तो रिटर के महत्वपूर्ण कार्य को आप याद करोगे, प्रथम पुस्तक भी आप याद रखोगे। अब बात करें रिटर का विधि तंत्र, मेथोडोलॉजी ऑफ रिटर। देखो रिटर की अध्ययन प्रणाली भी कैसी थी? हम्बोल्ट की अध्ययन प्रणाली के समान थी, क्योंकि एक समय के भूगोल वेत्ता थे। तो रिटर ने भी कौन सी अध्ययन विधि अपनाई? अनुभाविक विधि। कौन सी? अनुभाविक। रिटर अनुभाविक विधि के द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण में विश्वास करते थे। और इनका मत क्या था? इन ये मानते थे कि सावधानी पूर्वक शुद्ध प्रेषण करना, सत्य का पता लगाना उद्देश्य होना चाहिए अध्ययन का। क्लियर? इनकी दूसरी विधि विश्लेषण और संश्लेषण विधि थी। भौगोलिक जो तथ्य हैं, तथ्यों को प्रेक्षणों द्वारा, ऑब्जर्वेशन द्वारा एकत्र करना, उनका संश्लेषण करना, विश्लेषण करना
और अंत में सामान्यकरण करना रीटर की पद्धति ने भूगोल को वैज्ञानिकता प्रदान की, क्योंकि रीटर और हम्बोल्ट दोनों ही वैज्ञानिक विधि के भूगोल वेता थे। डंब दत्तबिम चैमित, कंपैरेटिव मेथड, तुलनात्मक, ठीक है ना। तो रीटर ने विभिन्न तथ्यों में कार्य कारण संबंध वे अंतर समझने के लिए तुलनात्मक विधि को अपनाया। सेम देखो, वही विधियां हैं जो हम्बोल्ट की हैं। हम्बोल्ट, यही तो इनमें समानता है। हम्बोल्ट और रीटर के कार्यों में समानता क्या है? यही तो समानता है। समान विधियों को अपनाकर इन्होंने भूगोल का अध्ययन किया। फिर मानचित्र विधि, मानचित्र को रीटर ने भूगोल का अभिन्न अंग माना। उसने स्वयं अपने ग्रंथों आदि में मानचित्रों का उपयोग किया और यूरोप के मानचित्रों की एक मानचित्रावली प्रकाशित की। तो यूरोप के मानचित्रों की मानचित्रावली किसने प्रकाशित की? रीटर ने की। बात करें रीटर की विचारधारा, तो आप देखो जो रीटर की विचारधारा है, रीटर और हम्बोल्ट दोनों ही समकालीन विद्वान थे। तो आयु में हम्बोल्ट रीटर से बड़े थे। देखो, जो आयु में हम्बोल्ट थे वो रीटर से बड़े थे। कितने बड़े? 10 साल बड़े थे। तो रीटर पर किसका प्रभाव पड़ेगा? जो बड़ा होगा उसी का तो प्रभाव पड़ेगा। तो रीटर पर हम्बोल्ट का काफी प्रभाव पड़ा था। और रीटर ने क्या किया? विभिन्न ग्रंथ और लेखों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि रीटर की जो विचारधारा थी वो विकासशील थी। रीटर की विचारधारा विकासशील थी। और रीटर किसका पोषक था? वातावरण निश्चयवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये प्रकृति को ही महत्व प्रदान करते थे। वो तो आपको पता ही है, भूगोल की तीन विचारधाराएं हैं, संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद। संभववाद, जो संभववादी विचारधारा के भूगोल वेता है वो किसको? मानव को महत्व देते हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को, या निश्चयवादी प्रकृति को और नवनिश्चयवादी दोनों को। तो रीटर कैसे थे? निश्चयवादी भूगोलवेत्ता। उसने मानव व वातावरण के संबंधों के अध्ययन को भूगोल का अभिन्न अंग बताया और स्वयं ने इन संबंधों का अध्ययन करने के लिए वातावरण को अधिक शक्तिशाली बताया। वातावरण या प्रकृति, ठीक है ना। तो रीटर किसको शक्तिशाली मानते थे? प्रकृति को। और वैसे स्टूडेंट्स, प्रकृति ही शक्तिशाली है। मानव विकास कर सकता है पर प्रकृति के बाहर नहीं। और दूसरा, मानव विकास प्रकृति के बिना अधूरा है। खनिज पदार्थ कहाँ से लेगा? प्रकृति से। फसल उत्पादन, मृदा संसाधन, जल संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मानव का जो विकास है वो पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर करता है। और रीटर ने क्या किया? होमेयर व गेटरर की शुद्ध भूगोल की विचारधारा की न केवल आलोचना की बल्कि उसे अवैज्ञानिक बताया और उसको अस्वीकार भी कर दिया। रीटर ने होमेयर व गेटरर की जो शुद्ध भूगोल की, प्योर ज्योग्राफी की जो विचारधारा थी, उसकी आलोचना की और अवैज्ञानिक बताया। और उनके अनुसार प्योर ज्योग्राफी इज नथिंग मोर देन ए जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेरियन। तो ये कथन लिख लेना आप। पूछते कथन किसने कहा? प्योर ज्योग्राफी इज नथिंग मोर देन ए जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेरियन। ये कथन किसने कहा? रिटर ने। और रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन पद्धति को अपनाया। कौन सी को? प्रादेशिक। क्षेत्र को उन्होंने विभिन्न भागों में, छोटे छोटे भाग में, प्रदेशों में बांटकर अध्ययन किया। और प्रादेशिक व्यक्तित्व में संपूर्ण कल्पना की थी। रीटर का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ पता ही आपको, अर्धकुंडे है। किस विचारधारा पर आधारित है? प्रादेशिक अध्ययन पर। यूरोप और एशिया का अध्ययन किया गया, सॉरी, अफ्रीका और एशिया। रीटर की विचारधारा ईश्वरीयवादी थी। मत क्या था इनका? ईश्वर ने पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी उद्देश्य से बनाई है। तो ये उद्देश्यवादी भी थे। रीटर क्या थे? ईश्वरवादी और उद्देश्यवादी। मतलब इनका मानना था कि ईश्वर ने पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी उद्देश्य से बनाई है। तो ये कथन किसने कहा, या ये विचार किससे संबंधित है? रीटर से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे।
तो याद रखोगे आप, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर किसी न किसी उद्देश्य से बनाई है। ये कथन रीटर से संबंधित है। रीटर के अनुसार भूगोल का उद्देश्य तल का वर्णन करना मात्र नहीं है, बल्कि उसकी घटनाओं का सकारण वर्णन करना भी है। तो बिल्कुल सही है, भूगोल सिर्फ ये थोड़ी है भूगोल का उद्देश्य है कि भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, उसका कारण भी तो करते हैं। क्यों? भूकंप के कारण, चक्रवात के कारण, ठीक है ना, बादल फटने के कारण। तो रिटर ने भी यही कहा, सिर्फ भूगोल पृथ्वी तल का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि उसकी सकारण, उसके कारणों का भी वर्णन करता है। तो ये थे आपके हम्बोल्ट और रिटर के महत्वपूर्ण कार्य। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी हम्बोल्ट और रिटर के कार्यों में समानता और असमानता। तो चलिए पहले देखते हैं रिटर और हम्बोल्ट के कार्यों में क्या क्या समानताएं हैं। पहला पॉइंट, दोनों ही क्या मानते थे, दोनों का ही मानना था कि विज्ञान का आधार निरीक्षण के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, न कि तर्कसंगत विचार। जो विज्ञान है उसका आधार क्या होना, निरीक्षण हो, ना कि सिर्फ तर्कसंगत विचार। अपने आप विचार कर लिए तो विचार, अपने विचार नहीं बल्कि निरीक्षण करके, प्रयोग करके, अवलोकन करके, तब तथ्य से जो प्राप्त होंगे वो इन्होंने माना। दोनों ही समकालीन थे, दोनों की मृत्यु एक ही वर्ष 1859 में हुई। याद कर लो, किस भूगोलवेत्ता, किन दो भूगोलवेत्ताओं की मृत्यु एक समान, एक साल में हुई और एक ही वर्ष में हुई, और किस वर्ष में हुई? तो 1850। वैसे हम्बोल्ट बड़े थे 10 साल, हम्बोल्ट 10 साल बड़े थे और रीटा 10 साल छोटे थे, लेकिन दोनों की डेथ 1859 में हुई। और दोनों ही हम्बोल्ट और रीटा दोनों ही कहाँ के थे, जर्मनी के थे। दोनों ने ही प्रकृति की एकता और कार्य कारण संबंधों पर बल दिया। दोनों ही क्या मानते थे, प्रकृति की एकता और कार्य कारण संबंधों पर बल दिया। भूगोल में कार्य कारण संबंधों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं असमानता। तो देखो, हम्बोल्ट क्रमबद्ध अध्ययन को प्रधानता देते थे। हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध अध्ययन को प्रधानता दी, वही रिटर प्रादेशिक अध्ययन को प्रधानता देते थे। रिटर की बुक अर्डकुंडे, उसमें उन्होंने प्रदेश में बांट दिया, यूरोप, सॉरी यूरोप क्यों निकल रहा है, एशिया और अफ्रीका का अध्ययन किया प्रदेशों में बांटकर, अर्डकुंडे नामक पुस्तक में। हम्बोल्ट क्या थे, खोज करता थे, ये घूम घूम कर खोज करते थे अनुभव करके, जबकि रीटर क्या करते थे, आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता थे, एक स्थान पर बैठकर वहीं से कैलकुलेशन करके ये व्याख्या करते थे। तो आराम कुर्सी भूगोलवेत्ता रीटर थे, खोजकर्ता घुमक्कड़ हम्बोल्ट थे। रीटर की विधि निगमनात्मक है, रीटर की विधि निगमनात्मक थी और हम्बोल्ट की विधि आगमनात्मक थी। और हम्बोल्ट ने क्या किया, हम्बोल्ट की विधि में एकता का आधार वैज्ञानिक, जबकि रीटर का आधार क्या था, उद्देश्य पर। क्यों सिंपल? क्योंकि रीटर कैसे भूगोलवेत्ता थे, उद्देश्यवादी, ईश्वरवादी और उद्देश्यवादी। अब बात करते हैं हम्बोल्ट और विचार रीटर के भौगोलिक विचारों की तुलना। तो आप देखो, हम्बोल्ट और रीटर की तुलना, यद्यपि हम्बोल्ट और रीटर के विचार आधारभूत समानता थी, फिर भी दोनों के प्राकृतिक दर्शन में भिन्नता थी, अलग-अलग थे। जो हम्बोल्ट है वो प्रकृति की एकता में विश्वास करता था, हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास करता था, जबकि और वह कार्य कारण के संबंध में भी विश्वास करता था। और हम्बोल्ट का मत क्या था, हम्बोल्ट के मत अनुसार प्रकृति के विभिन्न भूदृश्य के वर्गों में हमको अनुभाविक नियम को समझना चाहिए, परंतु समस्त प्राकृतिक अध्ययन का सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या हुआ, कारण संबंधों को खोजना। क्यों? भूमध्य रेखा पर उष्ण जलवायु क्यों है, क्यों 2 बजे के बाद संवहनीय वर्षा होती है, क्यों चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, तो कारण संबंधों की खोज करना हम्बोल्ट का उद्देश्य था। परंतु हम्बोल्ट क्या, एकता के साथ
एकता तथा कारणत्व के विचार को रीटर के विचार से इस प्रकार भिन्न है कि रीटर के अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान रीटर के अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान देकर प्रकृति का अध्ययन किया जाता था। इसके अतिरिक्त रीटर में क्या था? ईश्वरवादी उद्देश्यवादी विचारों की प्रधानता थी। रीटर में उद्देश्यवादी और ईश्वरवादी विचारों की प्रधानता थी। रीटर और हम्बोल्ट के कार्य क्षेत्रों में कुछ भिन्नता थी। उनके दृष्टिकोण भी अलग-अलग थे। हम्बोल्ट क्रमबद्ध अध्ययन को प्रधानता देते थे। रीटर ने प्रादेशिक अध्ययन को प्रधानता दिया। और जो लांडेर कुंडे है, प्रादेशिक अध्ययन में उसने प्रादेशिक अध्ययन को ही अपनाया। समानताएं में क्या थी? रीटर ने अपने भाषणों में बताया था कि प्रादेशिक अध्ययन लैंडर कुंडे में क्रमबद्ध अध्ययन का महत्व था। उसने भूगोल की जो ग्रंथमाला अर्ध कुंडे के नाम से प्रकाशित की थी, उसका अंतिम ग्रंथ क्रमबद्ध भूगोल था, सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी। अर्ध कुंडे के नाम से जो इन्होंने प्रकाशित की अपनी पुस्तक, उसका अंतिम ग्रंथ का जो ग्रंथ था वो क्या था? क्रमबद्ध भूगोल, सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी। अब बात करते हैं इनकी पूरकता की। तो आप देखो, हम्बोल्ट और रीटर दोनों का कार्य एक दूसरे का पूरक था। कुछ कार्य इनमें पूरकता मिलती है। कुछ कार्य हम्बोल्ट ने किए, कुछ कार्य रीटर ने किए, ठीक है ना। हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन की विधि बतलाई और उसका स्वरूप भी निश्चित किया। हम्बोल्ट ने किया क्या? क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन की विधि बतलाई और उसका स्वरूप भी निश्चित किया। उदाहरण के लिए देखो, हम्बोल्ट ने जलवायु विज्ञान, वनस्पति भूगोल पर ग्रंथ लिखे, और रीटर ने क्या किया? प्रादेशिक व्यक्तित्व के अध्ययन को किसमें? अपने ग्रंथ अर्ध कुंडे का आधार बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अर्ध कुंडे में इन्होंने प्रादेशिक व्यक्तित्व को आधार बनाया, जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के समस्त भौगोलिक तत्वों के विवेचन से उस क्षेत्र की पूर्णता का वर्णन किया जा सकता था। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक क्षेत्र को एक संपूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन और वर्णित किया गया था अर्ध कुंडे में। उन दोनों ने मिलकर ही वर्तमान भूगोल के कार्य को पूरा किया, एक दूसरे के आधार पर। तो ये पढ़े आज आपने, आज की क्लास में हम्बोल्ट और रीटर के कार्य, उनमें समानताएं और उनमें असमानताएं। दोनों ही भूगोलवेत्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, इनकी बुक से, इनके कार्य पद्धतियों से, ठीक है ना। तो आप देखो, रेगुलर पढ़ते रहिए वाईफाई स्टडी के साथ। और वाईफाई स्टडी एक पार्ट है अनअकैडमी लर्निंग ऐप का। तो आप सब अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर भी आप मेरी क्लास सुबह के 11 बजे आप ले सकते हैं। 11 AM पर भूगोल की क्लास मंडे टू फ्राइडे रेगुलर मिलेगी। सैटरडे और संडे को क्लास का टाइम होता है चेंज। तो आप क्या करोगे? तरुणा तरुणा भारद्वाज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर तरुणा भारद्वाज सर्च करके आप फॉलो कर लोगे, तो आपको मेरी क्लास का रेगुलर क्लास से 15 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहां पर भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वहां पर आप, एक तो जब लाइव टेस्ट होगे तो आपका अपना स्कोर एकदम सही प्राप्त होगा, दूसरा क्लास के बाद आप टीचर्स की PDF भी वहां पर डाउनलोड कर सकते हो, और कनेक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी वहां से टीचर्स के साथ। तो अनअकैडमी पर ये स्पेशल क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT और मानव विकास और पर्यावरण पेपर फर्स्ट की क्लास भी वहां होती है। और अनअकैडमी पर जो प्लस क्लासेस होती है वो पेड कोर्स होता है। प्लस क्लास में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको लेना पड़ता है। प्लस क्लास के लिए, प्लस क्लास आप लोगे तभी मिलेंगे आपको जब आप लोगे सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन। तो इसके लिए आप तानी बी कोड का यूज करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसा नहीं है, तानी बी कोड का यूज केवल आप UGC नेट एग्जाम के लिए करोगे। किसी भी कोर्स के में आप तानी बी कोड का यूज करोगे तो हर कोर्स में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप सभी पढ़ते रहिए, शेयर क्या करो ज्यादा से ज्यादा, शेयरिंग इज केयरिंग। तो
तो आप जो भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको क्लास का नोटिफिकेशन रेगुलर टाइम से मिलेगा। और वाईफाई स्टडी पर जानते ही आप, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट की 10 यूनिट, पेपर सेकंड की 10 यूनिट आपको अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो आप अपना टारगेट रखिए, क्योंकि अब वाईफाई स्टडी की टीम 2021 का टारगेट रखते हुए आपको कंप्लीट स्टडी कराएंगी। तो वाईफाई स्टडी के साथ, अनअकैडमी के साथ रेगुलर तैयार रहिए, क्योंकि तैयारी कोई एक दिन में नहीं होती है, आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लगातार पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास का लिंक शेयर जरूर किया करो, ठीक है। और जो भी सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, तभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगेन सभी के अच्छे भविष्य के लिए गुड लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।